तो असली गाय भक्त तो हम हैं, गो भक्त तो, ये तो गाय का व्यापार करते हैं। तो इन्होंने योजना तो घोषणा की थी कि व्यवस्था की जाएगी, तो इतनी झूठी ये सरकार है। एक इन्होंने घोषणा की थी, उसमें इनके घोषणा पत्र में थी 2017 के घोषणा पत्र में, आलू प्याज और लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। और जहां तक समय पर भुगतान की बात है, पहले पोर्टल पे ऑनलाइन ये डिटेल होती थी कि किसानों का कुल कितना बकाया है और कितना भुगतान हो गया है। अब इन्होंने वो सिस्टम ही हटा दिया है, अब बकाया का पता ही नहीं चलता। ठीक तक नहीं हुई योजना तो तब लगाता हूं। तो ये इनकी नीयत है किसान के लिए। इनके पास एक इन्होंने और गन्ना किसानों के लिए घोषणा की थी कि 14 दिन के अंदर भुगतान होगा, और अगर 14 दिन से लेट होगा तो ब्याज दिया जाएगा। ये सुनी थी आपने घोषणा? ये इनके घोषणा पत्र में भी थी, दोनों घोषणा पत्रों में थी, 17 में भी और 22 में भी। और कमाल की बात यह है कि आज तक लागू नहीं हुई। क्या किसी गन्ना किसान को 1 रुपए का भी ब्याज मिला है? और जहां तक समय पर भुगतान की बात है, पहले पोर्टल पे ऑनलाइन ये डिटेल होती थी कि किसानों का कुल कितना बकाया है और कितना भुगतान हो गया है। अब इन्होंने वो सिस्टम ही हटा दिया है, अब बकाया का पता ही नहीं चलता। अब सरकार केवल भुगतान की घोषणा करती है, बकाया बताती नहीं, छिपा जाती है। तो इतनी झूठी ये सरकार है। एक इन्होंने घोषणा की थी, उसमें इनके घोषणा पत्र में थी 2017 के घोषणा पत्र में, आलू प्याज और लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। किसी को नहीं मिला समर्थन, खरीद ही नहीं हो रही। कहीं आलू की खरीद सरकार कर रही है, प्याज की कर रही है, लहसुन की कर रही है? ये धोखाधड़ी है। एक इनकी घोषणा थी, प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। क्या किसी ब्लॉक में कोई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बना है? कोई एक आदमी कहीं बन गया हो तो बन गया हो। मैंने तो दसियों जिलों में फोन करके पता किया, किसी ब्लॉक में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं बना है। तो ये एक इन्होंने और घोषणा की थी कि नील गाय और आवारा पशुओं से फसल की क्षति रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। पर्याप्त कदम ये उठाए हैं कि वो जो इनके, अब मैं कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता कि क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी हुई है, हमारी भी श्रद्धा जुड़ी हुई है, हम भी गौपालक हैं, हमारे घर में भी गाय है। हम तो बचपन में, हमें कितनी भूख लग रही होती थी, हमारी मम्मी कहती थी पहली रोटी गाय को दे के आओ, बाद में खाना मिलता था। तो असली गाय भक्त तो हम हैं, गौ भक्त तो, ये तो गाय का व्यापार करते हैं। तो इन्होंने योजना तो घोषणा की थी कि व्यवस्था की जाएगी, लेकिन व्यवस्था ये हुई है कि आवारा पशु अब 100 गुना बढ़ गए हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज बोलते हैं, कल भी बोल रहे थे चैनल पे, कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये खबर ना आती हो किसी न किसी कस्बे से, किसी न किसी गांव से, किसी न किसी शहर से कि सांड ने इतने लोगों को मार दिया। ये हालत प्रदेश की कर दी है। और साथियों, एक घोषणा इनकी थी, सभी किसानों के लिए सरकारी ट्यूबवेल और नहर का पानी तो हमारी सरकार ने फ्री कर दिया था। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्राइवेट ट्यूबवेल का बिल भी जीरो करेंगे, फ्री बिजली देंगे। क्या लागू हुई? आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मैंने किसान से संबंधित बातें कही, लेकिन एक बात मैं राजनीतिक कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश अब ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, दीवार पर लिखी इबारत की तरह, अंग्रेजी के कहावत है दीवार पर लिखी इबारत की तरह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में किसी को कहीं संदेह नहीं है कि आमने सामने दो मोर्चे हैं। एक मोर्चे का नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी और प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, और दूसरे मोर्चे का नेतृत्व बाबा कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।